अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमे रुबाब आज पूरी कौम से मुखातिब होकर बात करना चाहती हूँ। मैं आज पूरी कौम को अपील करना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की मजलूम बेटी सर कमर जावेद बाजवा आपसे फिर से अपील करती हूँ। मैं बहुत ही मजबूर होकर, मैं बहुत ही बेबस होकर आपको फिर से अपील कर रही हूँ। सर मुझे इंतज़ार है आपका, मैं जानती हूँ कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, आप मुझ मजलूम का साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि सर मुल्क के हालात जब भी ख़राब होते हैं तब आर्मी मुदाखलत करती है और ये वडेरे सरदार सरेआम दहशतगर्दी कर रहे हैं। सरेआम उन्होंने मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर किया है। मैंने आपको अपील की है और मैं आपकी मुंतज़िर हूँ। और मैं चीफ जस्टिस साहब आपकी गाड़ी के सामने आई पर आपने मेरे लिए कोई नोटिस नहीं लिया, पर फिर से मैं आपको अपील करूंगी कि सर आप मेरे लिए नोटिस लें। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम उलमा इकराम और पाकिस्तान की हर एक कौम से अपील करती हूँ, मैं हर एक बंदे से अपील करती हूँ, हर एक माँ बहन भाई बेटी हर एक बंदे से अपील करती हूँ, हर एक पाकिस्तानी सिटीजन से अपील करती हूँ कि मेरा साथ दें, क्योंकि मैं सरदारी निज़ाम के खिलाफ उठी हूँ और ये सरदार मुझे रोज़ धमकियाँ देते आ रहे हैं और ये मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ऐसा अशर करेंगे कि तुम मुंह उठाने लायक नहीं रहोगी। तो मैं आपसे अपील करती हूँ, मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरा साथ दें। मैं अपने सिंध के पूरी कौम से अपील करती हूँ, वो पहले दिन से मेरा साथ दे रहे हैं, पर मैं फिर से अपील करती हूँ मेरे सिंधी भाइयों, आप उठो, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। मैं सिंध की मजलूम बेटी हूँ, मैं आप सबकी बेटी हूँ और मैं अपने पठान भाइयों से, जो कि कौम गैरतमंद कौम जानी जाती है, मैं अपने पठान भाइयों से अपील करती हूँ। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है तो मेरे पठान भाई सबसे पहले उठे, तो मैं अपने पठान भाइयों से अपील करती हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे लिए उठें, आप इस मजलूम बेटी की मदद करें, आप इस मजलूम बेटी को इंसाफ दिलाएं, आप इस मजलूम बेटी को तहफ्फुज़ फराहम करें। मैं अपने पठान भाइयों से अपील करूंगी कि वो मेरी मदद करें और मैं पाकिस्तान के हर एक इदारे से अपील करती हूँ, हर एक इदारे से अपील करती हूँ कि मेरी मदद करें जो भी। और मैं डॉक्टर आमिर याकत भाई, मैं आपको अपना भाई कह रही हूँ, आपने अपने शो में, आपने अपने प्रोग्राम में मेरी अपील चलाई, मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ, पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये वडेरे, ये सरदार मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से अपील करती हूँ कि मेरी आवाज़ बंद ना होने दें, आप मेरे लिए, मेरे हक के लिए, मेरे इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। और मैं पूरी सोशल मीडिया के सब बंदों की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि मेरा सब साथ देंगे। मैं आप सबको अपील करती हूँ, मैं पूरी मीडिया को अपील करती हूँ कि मेरा साथ दें, आप मेरी आवाज़ को बंद होने ना दें। ये सरदार मुझे धमकियाँ देते आ रहे हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर कमर जावेद बाजवा आपको फिर से अपील करती हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के हर एक इदारे से अपील करती हूँ। और PPCIHR के मरकजी चेयरमैन नकाश भाई, मैं आपसे अपील करती हूँ, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्मी के लिए, आर्मी को सपोर्ट करती है, आप रैलियाँ निकालते हैं, तो मैं आपको नकाश भाई आपको भी अपील करती हूँ कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं आप सबकी बहन हूँ, मैं आप सबकी बेटी हूँ, क्या आप मुझ मजलूम का साथ नहीं देंगे, क्या आप मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? मैं आप सबको, मैं एक यतीम होकर आप सबको आवाज़ दे रही हूँ, मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मैं अपने सिंधी भाइयों, अपने पंजाबी भाइयों, अपने पठान भाइयों, अपने मुल्क के हर एक गैरतमंद बंदे को अपील करती हूँ कि मेरा साथ दें। मैं मजलूम हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा बाबा भी नहीं है। आज ईद की रात में वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, मैं अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ, मैं अपने बाबा के लिए इंसाफ चाहती हूँ।